Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today, I'm going to discuss about forms practically. और form में कैसे main आज हम ये discuss करना चाहते हैं कि how we can add a button. Button हम लोग कैसे form में add करें, ठीक है ना? तो हम एक MS Access open करते हैं और यहाँ पर मैं एक database लेता हूँ. कोई भी database, suppose database हम लेते हैं ना. अब हमको फॉर्म पे काम करना है तो बिफोर क्रिएटिंग अ फॉर्म वी मस्ट हैव द टेबल. फॉर्म क्रिएट होने के पहले टेबल होना चाहिए, उसमें डेटा होना चाहिए. सो ऑलरेडी आपको वो पता ही है. सो ना टू क्रिएट द टेबल, अब एक टेबल क्रिएट करने जा रहा है. सो हियर द सपोज आई एम टेकिंग द स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट टेबल. सो एस आई डी, the data type of the student ID, what? Auto number. Auto number is the data type. Already ये बता चुका हूँ आप लोगों को ऑटो आई डी क्यों होता है. और यहाँ से हम लोग इंक्रीमेंट लेंगे, ठीक है ना? रैंडम नहीं लेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे. और वी हैव टू मेक दिस वन, ये जो फील्ड है इसको प्राइमरी की बनाएंगे, प्राइमरी की बना देंगे. आफ्टर दैट सो स्टूडेंट नेम, एस नेम, ठीक है ना? एस नेम, स्टूडेंट नेम. The data type of the student name is text only. Now the next field is suppose mobile number or suppose city. City is the next field. Now here you can take city as either a text. या तो हम लोग text ले सकते हैं या lookup wizard जो आपको लेना है ले सकते हैं. तो city हम लोग जो है text ही लेते हैं. lookup wizard लेंगे तो हमको so city जो है text या lookup wizard बेटर रहेगा लुकअप विजार्ड. लेकिन हम लोग मेन हमारे टारगेट क्या है, फॉर्म, ना कि टेबल. तो अभी हम इसको टेक्स्ट ही रखते हैं. नाउ द नेक्स्ट फील्ड इज, नेक्स्ट फील्ड इज आफ्टर दैट मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर, तो हियर द मोबाइल नंबर इज डेटा टाइप इज नंबर. अब मोबाइल नंबर में डेटा टाइप नंबर दिए एंड फील्ड साइज, सो मोबाइल नंबर इज नंबर. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल. तो ईमेल आईडी और ईमेल भी टेक्स्ट ही होगा, ईमेल इज टेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज एड्रेस, एड्रेस एंड दिस वन इज आल्सो, इसको मेमो ले लेते हैं, मेमो ले लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज फोटो और पिक्चर, जो भी बोले फोटो लेते हैं. फोटो जो होगा हमारा अटैचमेंट होगा, डेटा टाइप इसका अटैचमेंट होगा, इसी का अटैचमेंट होगा. नाम, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और टेबल का नाम दे देते हैं स्कूल टेबल और स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल इस तरह से टेबल क्रिएट होगा. अब इसको क्लोज करते हैं और टेबल में डेटा एंटर करेंगे. टेबल में डेटा एंटर, तो ऑटो नंबर द डेटा टाइप ऑफ दिस टेबल ही ऑटो नंबर. अब इसमें हम रिकॉर्ड लेंगे, सपोज हियर दैट दयानंद, हियर द सिटी बोकारो, हियर द मोबाइल नंबर ही 9898, एनीथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 ही होना चाहिए. आपकी ईमेल आईडी दया एट द रेट cmis.com. एड्रेस इज सपोज, एड्रेस इज बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, स्टील सिटी. लैंड नंबर सिटी, लैंड नंबर. अटैचमेंट राइट क्लिक किए, मैनेज अटैचमेंट, ऐड पे क्लिक करेंगे एंड कम हियर टू जावा. मेरे जो हार्ड डिस्क है इसमें ओवरऑल के अंदर ही पिक्चर, हम लोग पिक्चर देते हैं यहाँ पे, सपोज दिस वन. हाँ बिल्कुल ओके. ना द नेक्स्ट वन इज सूरत, सपोज सुशील, सुशील. नेक्स्ट सिटी इज
Not valid for this field. So suppose one review. Now come to here. Main हमारा मैंने already बता दिया focus ये नहीं है table create करना. इसलिए हम लोग table पे ज़्यादा focus नहीं कर रहे. ठीक है main हम form का. Just हमको form create करने के लिए ये table होना चाहिए इसीलिए हम लोग कर रहे हैं. ठीक है ना. So now the email is suppose p@sushil.com और द एड्रेस ये सपोज गोड़ना रोड आरा ना हियर अटैचमेंट इज मैनेज अटैचमेंट ऐड नाउ कम टू हियर सम टू दिस वन नाउ नेक्स्ट वन इज तूफान Here the city is Jamshedpur. Mobile number is suppose 78. Something is the mobile number. I also know. Now email is. यहाँ पे validation proper होना चाहिए कि 10 digit होना चाहिए. लेकिन हमारा यहाँ पे ये target नहीं है अभी. Just हम लोग dummy ये सब डाल रहे हैं. ठीक है ना. Email ID. Tufan@hotmail.com जमशेदपुर स्ट्रीट नंबर 4 कम टू अटैचमेंट हियर ऐड वन अटैचमेंट क्लिक ऑन ऐड टेक वन पिक्चर वन ऑफ द पिक्चर सपोज दिस वन नाउ कम टू द नेक्स्ट कृष्णा सिटी वेस्ट कोलकाता हियर मोबाइल सपोज 5454454 लाइक नाउ नेक्स्ट वन इज ईमेल इज व्हाट ईमेल समथिंग यू कैन टेक एट krish@yahoo.com हियर एड्रेस इज समथिंग सपोज कोलकाता उल्टा डंगा रोड नंबर 65 अटैचमेंट इज लिंक अटैचमेंट है हियर सपोज दिस नाउ नेक्स्ट वन इज अजीत दिल्ली मोबाइल इज 7676343 4 तो जब तक डेटा प्रॉपरली नहीं रहेगा तब तक फॉर्म जो हम लोग करने जा रहे हैं वो प्रॉपरली वो नहीं होगा. ठीक है ना. तो ईमेल रखते हैं सो हियर द मोबाइल नंबर एट सम मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर टू गेट इज 01 एडिट सो हियर हियर द स्पेलिंग इज रॉन्ग कम टू ईमेल ईमेल इज azit@yahoo.com एड्रेस इज azit@ एड्रेस इज लक्ष्मी नगर मेट्रो पिलर नंबर 5T1 अटैचमेंट एंड हियर मैनेज एड सपोज दिस वन नाउ लाइक नेक्स्ट रिकॉर्ड इज सपोज सैलजा नोएडा मोबाइल नंबर इज 87345 cmis.com
one is Sanjeev. Sanjeev. Again, the city is Noida. Now come to mobile number. Mobile number is 7676345. Here, Sanjeev at the rate. Sanjeev at the rate. Hotmail.com. The address is Sachin Nevada Sector 52 near Sai. Sai. Now attachment. Where is the attachment? Attachment is something right. So इसी तरह से और record होगा, ठीक है ना? अभी हम लोग इतना ही पे अपने आप को restrict कर रहे हैं. Now because our main focus is creating a table, creating a form with what? Buttons. Form में button कैसे add करते हैं वो हमारा main target है. Now save कर दिए, close किए. Now click on create. Here is the option form. Here is the option form. Or we can take the blank form also. So blank form only I am taking here. Click on student. Now here is the option student ID. Student ID. Student name. Student name. City. Here is the mobile. See here. Drag from here. Now here is the email. Now here is the address. Now here is the photo. Photo from the drag from here. Photo from here. इस तरह से देखिए हमारा डिफरेंट व्यू होता है, फॉर्म का डिफरेंट व्यू होता है, ठीक है ना. अब हम लोग स्विच करते हैं फॉर्म का, ये जो व्यू है लेआउट व्यू है, ठीक है ना. अब इसको हम लोग डिजाइन व्यू में जाते हैं. ठीक है, डिजाइन व्यू में ये हमारा फॉर्म, ठीक है ना, डिजाइन व्यू में. अब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, बटन कैसे अप्लाई करेंगे, बटन कैसे ऐड करेंगे. इसी में फॉर्म को बड़ा करते हैं, फॉर्म को बड़ा करते हैं. अब हमको फॉर्म में बटन ऐड करना है, बटन ऐड करना है. सी हियर इज द बटन. क्लिक किए बटन पे और बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ा, जस्ट ड्रैग किया और इसको छोड़ दिया. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइंड नेक्स्ट बटन है. फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, ठीक है ना. अब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे क्लिक, नेक्स्ट रिकॉर्ड है. अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखेंगे. फिनिश पे क्लिक करेंगे, देखिए एक रिकॉर्ड आ गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड. ये बटन क्रिएट हो गया, ठीक है ना. अब आप आइए फॉर्म व्यू में, फॉर्म व्यू में आइए, देखिए एक बटन आ गया, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है. अब देखिए टेबल में अगर अब इस फॉर्म को पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है ना. ये फॉर्म वन है, सेव किए, इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट फॉर्म, स्टूडेंट हाइफन स्टूडेंट हाइफन फॉर्म. फॉर्म देखिए यहाँ पे फॉर्म में ये आ गया, ठीक है ना. अब देखिए ध्यान से, टेबल में ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड दयानंद का है, स्टूडेंट टेबल में देखिए दयानंद का. सेकंड रिकॉर्ड सुशील का. अब देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक, ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, सो ये जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड था, ये जो बटन मैंने क्रिएट किया, फर्स्ट रिकॉर्ड जो मैंने बटन क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड बटन क्रिएट किया है. डिजाइन व्यू में गए और इसमें अभी हमारे पास ये नीचे देखिए रिकॉर्ड से यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं. आप लोग को क्लास में ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में बताया था, लेकिन
मुझे ये कंफर्टेबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग बटन बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए करेंटली थर्ड रिकॉर्ड में, थर्ड रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए टेबल में तूफान का है, लेकिन अब मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है बटन के थ्रू। क्लिक के देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड में चले गए बयान। अब फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए मैंने एक बटन बनाया, ऐसे ही लास्ट रिकॉर्ड के लिए मुझे बटन बनाना है। तो मैं डिजाइन भी मिल जाएंगे, अगेन क्लिक ऑन बटन, बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पे है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, मतलब हमें लास्ट रिकॉर्ड में जाना है तब के लिए ये लास्ट रिकॉर्ड। क्लिक ऑन टेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लिख रहा है ना वो बटन पे लिखा हुआ है, बटन पे लिखा हुआ है, जो बटन पे लिखना चाहते हैं, लिखा हुआ लिखना चाहता है चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट रिकॉर्ड। फिनिश किए तो देखिए इस तरह से हम लोग ट्रैक करके बटन को साइज को। अब यहाँ से डिजाइन व्यू में फॉर्म व्यू में है और सी है, अब ये फॉर्म है हमारा, इस फॉर्म में फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड में जाना है स्टूडेंट टेबल के अंदर, लास्ट रिकॉर्ड साइज यू है, ठीक है ना। अब फॉर्म के अंदर ये बटन पे क्लिक करेंगे लास्ट रिकॉर्ड पर चले जाएंगे, देखिए सेवन संजीव स्टूडेंट नंबर वाले, ये देखिए सेवन रिकॉर्ड। तो हम लोग ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना, देखिए फर्स्ट पे आ गए, लास्ट रिकॉर्ड पे तो लास्ट रिकॉर्ड पे, तो बटन के थ्रू जा रहे हैं हम लोग, बटन क्रिएट कर रहे हैं ना। द नेक्स्ट वन इज क्लिक करेंगे बटन पे और यहाँ पे आए ड्रैग किए, यहाँ पे आए ड्रैग किए, देखिए हमने फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड कर दिया, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन का नाम जो होगा, बटन पे क्या दिखेगा लिखा हुआ वो नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो लिख दिए नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिनिश पे क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका साइज को हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, साइज के एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब इस बटन को भी आप मूव कर सकते हैं, इधर मीन्स ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं पोजिशन, ठीक है। मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड रख दिया, यहाँ पे आए नौसी ईयर फॉर्म व्यू में आए, तो फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, देखिए फिफ्थ के बाद आईडी, फिफ्थ के बाद डायरेक्ट सेवन में गया, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड के बाद लास्ट रिकॉर्ड पे जाना, लास्ट रिकॉर्ड ना, नेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद एक प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन लाते हैं। तो हम लोग बटन के साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये बटन होगा फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड। अब एक और बटन लेते हैं, क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दिए, नाउ हियर गो टू नेक्स्ट इज ओवर लास्ट, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड, ये टेक्स्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक किए और यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड लिखे, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखिएगा वही आएगा, लास्ट रिकॉर्ड लिखे बटन पे वही लिखा हुआ आएगा, सॉरी नॉट लास्ट रिकॉर्ड, कम टू योर प्रीवियस रिकॉर्ड इज देयर, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो लास्ट रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी कर दिया था, फर्स्ट रिकॉर्ड गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड इज ऑलरेडी ओवर, नेक्स्ट रिकॉर्ड इज ऑल्सो ओवर, लास्ट रिकॉर्ड इज ऑल्सो ओवर, सो प्रीवियस रिकॉर्ड, तो हियर इज द प्रीवियस रिकॉर्ड, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड, फिनिश पे क्लिक किया, देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। सो फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड को बटन को नीचे करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड के बटन को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं बटन को, फर्स्ट रिकॉर्ड टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। बटन के सेप के साइज को एक जैसा कर रहे हैं, सिंगल सी डिजाइन व्यू में, फॉर्म व्यू में ना, दीज आर द बटन, तो फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ओके। नाउ क्लिक ऑन हियर, सो वी आर इन द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे जैसे क्लिक करें नेक्स्ट रिकॉर्ड बढ़ते जाए, प्रीवियस रिकॉर्ड पर क्लिक करें देखिए थर्ड सेकेंड आई डी, देखिए यहाँ पे सेकेंड है, फर्स्ट है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे कर रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मूव होते जा रहा है, ठीक है ना। अब लास्ट रिकॉर्ड पे प्रीवियस रिकॉर्ड किए, सपोज आई एम ऑन द फोर्थ रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे सेवन्थ रिकॉर्ड पे चलेंगे, टेबल में देखिए टोटल सेवन ही रिकॉर्ड है,
ठीक है ना। अब फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक किए, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए। सो ये हमारा फॉर्म में बटन कैसे क्रिएट करते हैं ये हुआ। अब अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे, अभी मैंने ये जो यहाँ पे नेविगेशन जो हम लोग कर रहे हैं ना, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, तो ये हमारा ये जो है ना कंफर्टेबल नहीं होते, यूजर कंफर्टेबल नहीं होते इसको यूज करना, इसलिए हम लोग बटन का यूज करते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द बटन्स, डिफरेंट बटन्स, वेरी इंपॉर्टेंट बटन्स, दैट इज हम लोग जब भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो ये डेटा को सेव करना रहता है। सो सेव करने का एक बटन सीखेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग सीखेंगे बटन, डिफरेंट बटन। अब सेव बटन जो क्रिएट करेंगे हम उसका ऑपरेशन क्या रहेगा, डीबी में सेव होना, सेव बटन क्रिएट करना सीखेंगे, डिलीट बटन, डिलीट बटन, डिलीट और अपडेट, अपडेट। सेव फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा वो अभी हम लोग ये भी जो भी बटन किया कि फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, इससे हम क्या कर रहे हैं, टेबल में जो डेटा है वही डेटा फॉर्म में दिख रहा आ रहा। बट इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फॉर्म में, यहाँ पे देखिए, सी यार एवरीवन, यहाँ पे देखिएगा एक ऑलरेडी ऑप्शन है न्यू ब्लैंक। अब यहाँ पे जो भी फॉर्म में डालिएगा ठीक है ना, वो हम सेव करना चाहते हैं टेबल में, उसके लिए हम लोग बटन क्रिएट करेंगे और उसके लिए सेव बटन होगा। सेव बटन के थ्रू हम लोग जो भी फॉर्म में डेटा एंटर करेंगे वो डेटा हमारा टेबल में स्टोर हो जाएगा। डिलीट करेंगे कोई भी रिकॉर्ड, डेटा कोई भी रिकॉर्ड अगर डिलीट करेंगे तो टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अपडेट करने का मतलब कि फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा उसमें से हम डेटा चेंज करेंगे। जैसे एक फॉर्म आया सीजन, नेक्स्ट हम आते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड। सपोज ये रिकॉर्ड है, अब इस रिकॉर्ड में नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड नंबर 6 जो उसका नाम बदलना चाहता हूँ, तो उसके नाम को चेंज करने के लिए टेबल में अपडेट बटन बनेगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दीज 3 बटन्स, और यही बटन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है ठीक है ना, यही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। एप्लीकेशन जब भी बनाते हैं तो हम लोग यही 3 बटन यूज करते हैं ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।